यूसुफ ऑल्सो एज वेल टू इवन इधर टिल अनटिल अनलेस, इन सभी का क्या यूज है और इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे अधिक यूज होने वाला वर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, और इसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई भी घर गया, या पर आपका भी लिखा हुआ है और इस भी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो। तो सेंटेंस बनेगा योर ब्रदर ऑल्सो वेंट टू हाउस। ये पर आपका देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा, लेकिन आपका इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा उससे मेन वर्ब जो होगा सेंटेंस में वो मेन वर्ब से पहले यूज हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर वेंट मेन वर्ब है, इससे पहले हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता। उसने भी खाना नहीं पकाई, तो सेंटेंस बनेगा सी डिडंट ऑल्सो कुक फूड। यहाँ पर आपका देखिए डिडंट आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसके बाद आपका ऑल्सो लिखा हुआ है। मेन वर्ब तो कुक है, कुक से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो विद यू। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद यूज किया गया है, और ऑल्सो का मतलब हो रहा है भी। ऑल्सो मीन्स भी, आप जानेंगे कि मैं भी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो विद यू। तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं। कई सारे बात यहाँ पर ये है कि ऑल्सो का यूज किया जाता है गाइस ऑनली पॉजिटिव सेंटेंस में, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है फिर भी यहाँ पर आपका ऑल्सो यूज किया गया है, ये आपका गलत है। और इसके जगह पर हम कौन सा दूसरा वर्ड यूज करेंगे वो हम आगे जानते हैं। एज वेल और टू, ये दोनों का मतलब होता है भी, और इसे हम वाक्य में यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। मतलब ये सेंटेंस आपका समाप्त हो गया उसके बाद आप एज वेल या फिर टू को लगा दीजिए भी का सेंस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, उसकी बहन भी अंग्रेजी सीखेगी। अब उसकी बहन भी, यहाँ पर भी वर्ड आया हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा हर सिस्टर विल लर्न इंग्लिश टू। यहाँ पर टू आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, अगर यहाँ पर टू हम नहीं लगाए तो सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश तक। श्याम भी काम कर रहा है, श्याम भी काम कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा श्याम इज वर्किंग एज वेल। एज वेल आपके सेंटेंस के लास्ट में आ गया। हम लोग भी खाना खाए, वी एट फूड टू। वी एट फूड टू, हम लोग भी खाना खाए। तो सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं। राहुल का पापा भी यहाँ आएंगे, राहुल्स फादर विल कम हेयर एज वेल। तो यहाँ पर एज वेल और टू, जिसमें कि आपका टी ओ टू है, जिसका मतलब आपका भी होता है, और टू और एज वेल दोनों सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। इवन, इवन का मतलब होता है भी, शायद तो आप इवन का मतलब यहाँ तक की भी आप बोल सकते हैं, यहाँ तक की या फिर भी, दोनों का दोनों मीनिंग होता है। और सेंटेंस में आप इसे यूज करते हैं शुरू में, सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, यहाँ तक कि भी, ये भी मीनिंग देगा। इवन यू डिड नॉट हेल्प मी, इवन यू डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है, सेंटेंस बनेगा इवन योर ब्रदर इज थीप। ऐसे हम बोल सकते हैं इवन योर ब्रदर इज अ थीप, ऐसे बनेगा सेंटेंस। यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, सेंटेंस बनेगा इवन प्रिया डजंट नो हाउ टू कुक फूड। यहाँ पर आप देखिए इवन आपका सेंटेंस के शुरू में यूज किया जा रहा है, और इसका मीनिंग शायद तो आप भी का भी दे सकते हैं कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, ये भी आपका ठीक है, और यहाँ तक कि प्रिया भी खाना बनाना नहीं जानती है, ये भी ठीक है, और दोनों का मीनिंग भी सेम है।
इधर, इधर को आप आइदर भी बोलते हैं, इसका भी मतलब होता है भी, और इसे आप वाक्य में यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में प्रयोग करते हैं। मतलब आपका जो इधर है ये नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और भी के लिए तो आप यूज करेंगे लेकिन वो सेंटेंस के लास्ट में हो। रवि भी नहीं खेलता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और भी आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इधर यूज कर सकते हैं क्योंकि इधर यहाँ पर एलिजिबल है। सेंटेंस होगा रवि डजंट प्ले इधर, रवि डजंट प्ले इधर, रवि भी नहीं खेलता है, मेरा भाई भी रोज स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल डेली इधर, यहाँ पर इधर आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, और इस इधर का मतलब है आपका भी। इसी प्रकार से तुम भी आम पसंद नहीं करते हो, तुम भी आम पसंद नहीं करते हो, भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और भी के लिए आप यूज कर लेंगे इधर। तो सेंटेंस बनेगा यू डोंट लाइक मैंगोज इधर, यू डोंट लाइक मैंगोज इधर, तुम भी आम पसंद नहीं करते हो। आगे है टिल, और टिल का मतलब होता है तक, और इसे हम यूज करते हैं समय के साथ। मतलब कि टिल का यूज किया जाता है समय के साथ, जैसे कि वो सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएगा, ये सुबह तक, ये सुबह आपका क्या है, ये सुबह मेरा टाइम है, सुबह शाम दोपहर ये टाइम है। सनेस होगा ही विल रीच दिल्ली टिल मॉर्निंग, ही विल रीच दिल्ली टिल मॉर्निंग, वो सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएगा। तुम लोग 12 बजे तक सब कुछ लिख दिया, सनेस होगा यू रोट एवरीथिंग टिल 12 o'clock। ये पर आपका देखिए 12 o'clock के पहले आपका टिल आया हुआ है, मॉर्निंग के पहले आपका टिल आया हुआ है, मतलब जो भी टाइम है टाइम से पहले टिल, और टिल के बाद जो भी टाइम है हम उसे लिखेंगे। हम लोग जनवरी तक उसके साथ रहे, सनेस होगा वी लिव्ड विद हिम टिल जनवरी, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब है क्या, ये मेरा महीना का नाम है और ये आपका टाइम में आता है। सनेस हम ऐसे देख सकते हैं। और आगे है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, सनेस हम यूज करते हैं इस प्रकार से कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो सनेस बनेगा अनलेस यू कम टू मी। संदेश आपका पहला फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक अगर आपका वर्ड आ जाए या फिर अनलेस सेंटेंस बन रहा हो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब जो आपका विल है उसे आप यूज नहीं कर सकते, कैन मतलब मॉडल वर्ब को आप यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। फ्यूचर का सेंटेंस है आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे कि अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी। दूसरा सेंटेंस आपका जैसा भी है वैसा आप बना सकते हैं। जब तक मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो, सेंटेंस बनेगा अनलेस आई गो टू मार्केट, यहाँ पर मैं जब तक मैं बाजार नहीं जाता या फिर जब तक मैं बाजार नहीं जाता हूँ तुम आ सकते हो, यू कैन कम। यहाँ पर आपका देखिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पहले सेंटेंस में आपका कंफ्यूजन था। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे, पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है लेकिन ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। रूल ये है कि आपको समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है और आपका जब तक वर्ड आया हुआ है, और आपका बनेगा अनलेस है तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस बनेगा अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं या फिर जब तक तुम नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट पास द एग्जाम, तब तक तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। तो संदेश आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे बन रहा है, और ध्यान ये रहे कि आपका जो ये अनलेस वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, इसके इस सेंटेंस में आपको नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी में आपका नहीं आ रहा है लेकिन इंग्लिश में आपका कहीं भी नोट अलग से नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि अनलेस वर्ड खुद नेगेटिव वर्ड ही है। अंटिल, अंटिल का भी मतलब होता है जब तक नहीं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अब मैं आपको बता दूं कि अनलेस का यूज जो हम करते हैं ये कंडीशन पे करते हैं, कि कंडीशन रखा जाता है, शर्त रखा जाता है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे या जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंडीशन रखा जाता है। लेकिन अगर मैं अंटिल की बातें करूं
और ये जब तक नहीं के लिए यूज होगा तो ये हमारा यूज किया जाता है टाइम के लिए। जहां पर टाइम की बातें होगी अनटिल, जहां पर कंडीशन की बातें होगी अनलेस। एग्जाम्पल देखिए, जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। तो जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, तो भाई यहाँ पर टाइम की बातें हो रही है। सेंटेंस बनेगा अंटिल ही कैम, जब तक वो नहीं आया आई केप्ट रीडिंग, मैं पढ़ता रहा। आई केप्ट स्टडिंग, मैं पढ़ता रहा। इस बार से जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, सेंटेंस बनेगा अंटिल यू कम टू मी, या फिर अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। तो सेंटेंस आप कैसे ही बनेगा। आगे है अंटिल वर्सेस अनलेस, ये दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं। दोनों के बीच अंतर क्या है, अंतर बहुत ही इजी है। अंटिल का यूज करते हैं हम टाइम के लिए और अनलेस का यूज करते हैं हम कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए अंटिल, सॉरी कंडीशन के लिए अनलेस और टाइम के लिए अंटिल। एग्जाम्पल है जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा, अंटिल यू कम टू मी, या फिर अंटिल यू कम आई विल वेट, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, अंटिल ही कम आई केप्ट रीडिंग। जब तक मैं बाजार नहीं जाता तुम आ सकते हो, अनलेस आई गो टू मार्केट यू कैन कम। इस बार से जब तक तुम नहीं पढ़ोगे परीक्षा पास नहीं करोगे, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम। यहाँ पर आपके लास्ट के जो दो सेंटेंस है इसमें आपका कंडीशन बता रहा है कि भाई यहाँ पर कंडीशन है, और शुरू के जो दो सेंटेंसेस है इसमें बता रहे हैं कि भाई टाइम है। यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है टाइम पर, और इसमें आपका फोकस दिया जा रहा है कंडीशन पर, शर्त पर। इस बातों को ध्यान में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।